हेलो फ्रेंड्स, जीएस भाई प्रशांत में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अभी तक आप लोगों ने लोकायुक्त को देखा, यानी उत्तर प्रदेश विशेषांक में आप लोकायुक्त को देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक जो परिदृश्य हैं, आइए हम उसको भी देख लेते हैं। वन लाइनर के रूप में इसको बस देखेंगे, क्योंकि बहुत थोड़े से आते हैं क्वेश्चन, लेकिन कभी काल आ जाते हैं। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कला, संस्कृति, चित्रकला एवं मूर्तिकला, इससे जो जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। तो अब थोड़ा सा प्राचीन भारत के इतिहास में हम जाते हैं, यानी प्राचीन काल में जाते हैं। तो प्राचीन शैली जो है वो चित्रकला के जो कुछ नमूने मिलते हैं, यानी उत्तर प्रदेश में जो मिलते हैं, वो मिर्ज़ापुर सोनभद्र में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर काफ़ी सारी जो है शिकार करते हुए जानवरों के जो चित्र हैं वो मिल जाते हैं। फिर मानिकपुर है, होशंगाबाद है, जोगी मारा है, रायगढ़ जैसी जगह जहाँ पे गुफाएं हैं वहाँ से भी काफ़ी सारे चित्र मिले हैं गुफाओं के अंदर। तो ये तो सारी चीज़ें जुड़ी हुई थी प्राचीन भारत से। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो रहते हैं वो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र से ही जुड़े हुए आ जाते हैं। अब मध्यकाल में देखते हैं। तो मध्यकाल में प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश में जो चित्रकला की शैली थी वह मुगल शैली के रूप में जानी जाती है, और इसको आगरा शैली के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी जो नींव रखी गई थी वो हुमायूं के द्वारा रखी गई थी, माफ़ कीजिएगा। तो अब जानते हैं ये आपकी मुगल काल में हुमायूं, जहांगीर इन लोगों के काल में काफ़ी सारे जो हैं वो निर्माण कार्य भी हुए थे, जिसको जो है मुगल शैली के रूप में ही जाना जाता है। अब जहांगीर के समय में जो चित्रकला थी, यानी जो मुग़ल चित्रकला थी, वो अपने एकदम पीक पे थी, और इसीलिए जो मुग़ल चित्रकला है उसको जहांगीर के जो काल को है वो मुग़ल काल का चित्रकला के रूप में, स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा मथुरा की तरफ। तो प्राचीन भारत में ही थोड़ा सा आप देखेंगे तो मथुरा में जैन चित्रकला थी। इस तरह गांधार शैली है उसी तरह मथुरा शैली भी है। गांधार शैली में आप देखेंगे कि भगवान बुद्ध की मूर्तियां काफ़ी सारी मिली हुई हैं, और जैन चित्रकला में जो है मथुरा शैली काफ़ी आगे है। अब आ जाते हैं आधुनिक भारत, आधुनिक उत्तर प्रदेश में, माफ़ कीजिएगा भारत बोल दिया मैं, उत्तर प्रदेश में। तो आधुनिक उत्तर प्रदेश में जो है, यानी आधुनिक भारत की जब बात होती है तो उसमें जो उत्तर प्रदेश है तो उसमें चित्रकला का जो विकास है वो 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ, ठीक है, 1911 में जो है अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित हो रहा है कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई लखनऊ में। अब आ जाते हैं 1925 में। तो 1925 में जो है असीत कुमार हलदार जो थे, ठीक है, और एक थे अवनी बाबू और रविन्द्रनाथ टैगोर जी, तो जानते ही हैं कि ये शिष्य थे, ठीक है, और उन्होंने जो है लखनऊ में जो है चित्रकला, दो चित्रकलाओं की स्थापना की, मतलब दो तरह की जो चित्रकला थी उसको लगाया, एक वाश और टेम्पेरा। टेम्पेरा ये दो तरह से पेंटिंग की शुरुआत की गई, और एक नई शैली जो उधर के आई इसी को लखनऊ शैली के रूप में जाना जाता है। तो ये चीज़ें जुड़ी हुई थी थोड़ी सी चित्रकला से जुड़ी हुई, कला और मूर्ति कला से जुड़ी हुई। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ थोड़ी अच्छी लगी होगी, और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है, और आपको मैं ये PDF प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी के लिए धन्यवाद और नमस्कार, जय हिंद।